पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? नंदिनी से बोल दिया क्या? चप्पल पड़ी है, सैंडल? पापा नीचे हैं। क्या? हाँ। यहाँ इस घर में? पर क्यों? जी क्या बताओ? सुन, कोई नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्या? सबके पापा यहाँ हैं क्या? हमारे पापा इधर हैं, पर कोई नीचे गया और उसके मुंह से निकल गया कि हम यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे? एक तो हम झूठ बोल के आए, तिम्बक्तू का टिकट कटवाना पड़ेगा फिर। भैया, तिम्बक्तू जगह कैसी है? देखो विनोद, मुझसे ये झूठ और बेईमानी ना बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं गुस्से में मेरे दिमाग को क्या हो जाता है। सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको सच्चाई का पता तो चला। सर, मैं कभी बेईमानी नहीं कर सकता। आपको मेरी ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए था। देखो विनोद, कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ गलतियां मुझसे हुई। ना ही तुम वो पैसों से भरा बैग लेते और ना ही इतनी बड़ी गलतफहमी बनती। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या फिर भी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपनी कंप्लेंट वापिस ले ली है। अगर तुम चाहो तो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें जॉब फिर से ज्वाइन कर लो। अब रतलाम से इतनी दूर यहां पर आए हो अपने परिवार के साथ, समझदारी तो इसी में है ना। समझदारी का तो पता नहीं सर, लेकिन उसूल क्या होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से समझ है। अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं रतलाम जाने का फैसला कर चुका हूं। बस पहले लग रहा था कि भाग रहा हूं, दामन पे एक दाग लेके जा रहा हूं, अब सर उठा के जाऊंगा बेदाग दामन लेकर अपने परिवार के साथ। आपने अपनी कंप्लेन वापस ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोल्ड ड्रिंक्स आए? नहीं लाया ना? वो खत्म हो गई। बकवास, मैं देख क्या। अब हम जाते हैं, जल्दी जाओ। तो या, या, या। मुरली, तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे ना? दीपू गया ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या मंडी? भैया को डकार आ रही है क्या? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मुरली, कुछ हुआ है तो फिर हम... मेरे पापा नीचे आए हुए तुम्हारे घर पे। That's great. हमें लगा सच में कुछ हो गया, इतने घबराए हुए लग रहे हो। क्योंकि हम झूठ बोल के आए हैं, और अगर पापा ने देख लिया तो... तो मुरली अंकल को सीधा सीधा बता दो ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के यहाँ आने से? मम्मी को उनको पिज़्ज़ा आया है ना सलोनी, अच्छी लग रही, जा खा ले जा। सलोनी क्या कह रही थी? सब ठीक है ना मुरली? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली पापा पार्टी में आने नहीं देते ना, तो हमने ये बता दिया कि हम किसी पूजा में जा रहे हैं, और अब पापा यहाँ आ गए तो आई गेस उनको हमारे पापा ने बुलाया होगा। अंकल के जॉब के बारे में बात करने, कितना अच्छा होगा ना अगर अंकल को उनकी सेम जॉब वापस मिल जाए तो। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा नंदिनी। थैंक नहीं, नो थैंक यू।
पर तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? जब से एग्जाम्स खत्म हुए ना, बार बार एक ही चीज सोचते रहता हूँ, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या होगा। पर अब ये डर खत्म हो गया कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मुझे रतलाम वापस जाना पड़ेगा। हम भी ये नहीं चाहते मुरली, हमें भी कोई फिक्र नहीं है अब, कुछ भी हो जाए तुम हमसे दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं जा सकता, मतलब तुम सबसे। नैंसी, ये देखो श्रुति ने क्या बोला। एक मिनट, क्या हुआ? न जाने का सुख कुछ कम था उनके रोकने की खुशी के आगे, अब इंतजार बस उस दिन का था जब रख दूंगा दिल उनके आगे। अब मैं दिन और घंटे गिनने लगा कि एग्जाम का रिजल्ट आए और मैं नंदिनी से दिल की बात कह दूं। बहुत मजा आया पार्टी में। तुम्हारे दोस्त दीपू ने क्या टोपियां पहनाई है, भड़ों के फट्टेबाज बनेगा। ओए, अच्छा बन रहा है वो, चल जल्दी अंदर चल। बारिश की संभावना बता रहे हैं। अरे गुड मॉर्निंग मम्मी। प्रसाद, शेरवाली की जय। जय माता दी। कैसा रहा जागरण? एकदम टनाटन, मैं तो स्टेज पे भी गया था। अच्छा तुम लोग जाके आराम कर लो, थक गए होगे। हाँ जा। आपके लिए चाय बना दें? चाय? चाय नहीं, नहीं चाय अभी नहीं, मैं पानी पीऊंगा उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अरे लो, प्रसाद यहीं छोड़ गए। भाई साहब, बच्चे लौट आए क्या जागरण से? अरे गए कहाँ थे जो लौटेंगे, गुप्ता आपके घर गए थे और नंदिनी की पार्टी में। झूठ बोल के? आपको मालूम था? मैंने मुरली को देखा था वहां। तो आपने? कुछ नहीं कहा मैंने, पर वैसे भी शंभू ये शैतानी वैतानी करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। जी मैं बच्चों पे बहुत सख्त रहता हूँ, जानता हूं कि वो डरते हैं मुझसे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अच्छे संस्कार और व्यवहार से बड़ी ना कोई उपलब्धि नहीं होती। अरे लोग बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी बहुत छोटे रहते हैं। हमारे बच्चे अपने उसूलों पे चले और अच्छे इंसान बने, बाकी सब तो होता रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, और ये बात दोनों बच्चों में। हाँ अच्छा सुनो, अपनी भाभी को ना रात की बात मत बोल देना, वो पहले से थोड़ा दुखी है कि मैंने नौकरी के लिए मना कर दिया। भाई साहब आपने मना क्यों किया? यार देखो मैं चाहता हूं कि मुरली ना अपने बूते पे यहाँ रहे, मैं वहां रहता में हम सबको एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। शंभू उन लोगों ने ना मुझ पे शक करके मेरा भरोसा तोड़ा है, और एक बार अगर तुम किसी की नजर में छोटे हो जाओ ना तो पूरी जिंदगी छोटे ही रहोगे, और मैं जलील नहीं होना चाहता दोबारा उनके आगे। मधु, कुछ सोचा तुमने नंदिनी को क्या प्रेजेंट दे रहे हम लोग? प्रेजेंट किस चीज के लिए चाचू? अरे भाई तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में, और क्या? बट रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। रिजल्ट हमको पता है, हमेशा की तरह टॉपर बनोगी तुम।
नंदिनी आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है ना बेटा? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।